बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैश, इनकम, डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस, विथ एक्सपेंस के साथ किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे अकाउंट सारा कैश का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज के इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। तो एडवांस में लाइक करते हैं, फर्स्ट देखें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और डेली के हिसाब से हमें कैश का रिकॉर्ड रखना है और इसकी एक मास्टर शीट के अंदर जो इन हुआ है और उसके साथ जो टोटल एक्सपेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो हमारे पास अलग शीट में आना चाहिए हर डे का। तो ये किस तरह से उठाएंगे और शीट को मेंटेन किस तरह से करेंगे, कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, ये आज की इस क्लास के अंदर सीखने को मिलने वाला है। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की वीडियो इनको मिलती रहे और लाइक भी कर दें वीडियो को, ठीक है जी। अब यहाँ पर फर्स्ट हमने ओपन करा है शीट 1-2 और हमारे पास यहाँ पर इनका रिकॉर्ड बना रहे हैं, पीरियड 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023। अब शीट 2 पे जो है हमारे पास डे फर्स्ट का रिकॉर्ड आ रहा है। अब इसमें हमारे पास सीरियल है, सीरियल के लिए हम यहाँ 1, 2, 3 ऐड कर लेते हैं, जहाँ तक जो सीरियल आपको चाहिए वहाँ तक आप ऐड कर लें। उसके बाद कैश, इनकम, सेल्स से इनकम हुई है, सर्विस अदर इनकम हुई है, उसके बाद एक्सपेंस है, कैश एक्सपेंस है। तो यहाँ पर अब इनकी कैटेगरीज मैंने सारी टाइप करी हुई, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास जो जो यानी एक्सपेंस हो रहे हैं वो हमने यहाँ पे ऐड करे हुए, अकाउंटिंग, एडवर्टाइजिंग, एसेट्स, बैंक चार्जेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी बिजनेस एक्सपेंस कह सकते हैं, तो वो सारे हमने यहाँ पर ऐड करे हुए। अब इसको हम फॉर्मेट भी करेंगे, फॉर्मेट के साथ साथ अब इसकी कैलकुलेशन को समझना है। कैलकुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो टोटल इनकम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारी क्या बन रही है। टोटल इनकम के लिए हम सम लगाएंगे और जो भी एंट्रीज हो सकती है हम उसके लिए बाय डिफॉल्ट बाद एक्स्ट्रा सिलेक्शन बना लेते हैं, ताकि कोई भी अगर इनकम ऐड हो यहाँ पे तो टोटल में ऐड हो जाए। तो ये तो हो गई हमारी टोटल इनकम, ठीक है जी। इसको भी हम यहाँ पे सेक्शन को बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। और इसी तरह अगर हम कैश एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर हमारी टोटल क्लोजिंग हो रही है आज की, तो हमने यहाँ पे कर लिया टोटल एक्सपेंस और यहाँ पर इसको सम लगाएंगे, प्लस करेंगे ऑल एंट्रीज को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये टोटल, ठीक है जी। अब इसको अगर टॉप एंड बॉटम बॉर्डर करना है, यहाँ से टॉप एंड बॉटम बॉर्डर कर लेते हैं और यहाँ से इसको भी टॉप एंड बॉटम बॉर्डर कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे डार्क बॉर्डर रखना है थोड़ा, तो यहाँ टॉप एंड बॉटम चेक कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है जी। अब उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर डाटा के अंदर सीरियल, डेट और ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग में क्या आ रहा है, यहाँ पर हम रिमेनिंग बैलेंस को चेक करेंगे। ठीक है जी, सीरियल के लिए आप 1-2 ऐड कर लें यहाँ पे और इस तरह से, ठीक है जी, डे। और यहाँ से मैं इसका रिकॉर्ड जो बना रहा हूँ 1 जैन का है ये मेरा मिसाल के तौर पे इसका रिकॉर्ड, और ये जो शीट है ये हम कर लेते हैं 1 जैन, ठीक है जी, 2023, ठीक है जी। अब इसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा था और इसके अलावा ये चेक करना है हमें यहाँ पे, तो इसके लिए हम ऊपर हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, टोटल इनकम, ठीक है। टोटल इनकम के लिए हम यहाँ से सेल को उठाएंगे, ये हमारी टोटल इनकम हो गई और इसको भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा,
और ये हमारा आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस के लिए इक्वल लगाना है और इस सेल का सबसे लास्ट वाला सेल सिलेक्ट करना है, इसमें टोटल आ रहा है ताकि टॉप में हमारे पास इसमें आता रहे कि भाई क्या हमारा एक्सपेंस रहा। तो ठीक है जी, इसको डॉलर आ रहा है, नॉर्मल कॉमा क्लिक कर लेते हैं यहाँ से और इसी फॉर्मेट को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये हो गई हमारी, बोल्ड कर लेंगे इस वैल्यू को हम। ठीक है जी, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और सभी को एक फॉर्मेट में ले आते हैं, एरियल ब्लैक। और यहां से इसको भी अलाइन कर लेते हैं सेंटर। ठीक है जी, और ये हमारा सेक्शन आ गया ऑल बॉर्डर। और इसके साथ इन ऑप्शंस को भी कॉमा में ले लेते हैं। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा, ठीक है जी, तो यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं एक, या इधर हम हेडिंग ऐड कर लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम यहां से ऑल बॉर्डर कर लेते हैं इसको। और यहां पर इक्वल करेंगे टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहा। ठीक है जी, तकरीबन 77,529,195 टोटल था और 11,747 तकरीबन जो एक्सपेंस थे हमारे। ठीक है जी, यहाँ से एक्सपेंस को कम कर लेते हैं, 90,000 देखें यहाँ पर आ गया। इसी तरह अगर इनकम को हम कम कर लेते हैं, यहाँ से 50,000 कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ बैलेंस ऐड होता रहेगा। 145 1,45,000 टोटल इनकम हुई आपकी, 96,970 एक्सपेंस, 48,29.43 जो है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस था। ठीक है जी, क्लोजिंग बैलेंस भी कह सकते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हैं इसको आप अपना। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया डे वन का। ठीक है, इसके लिए ऑल ऑल के साथ जो है थिक बॉर्डर, और यहां से ये हो गया हमारा डे फर्स्ट का। अब डे फर्स्ट का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे चाहिए और इसके लिए हम ओपनिंग बैलेंस के लिए इक्वल करेंगे, और यहाँ से हम ओपनिंग बैलेंस इधर जाकर क्लिक, यानी टोटल हमारा जो था वो ओपनिंग बैलेंस रहा। क्लोजिंग बैलेंस के लिए जाएंगे इक्वल, क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या था ये। ठीक है जी, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस सेल क्लिक करेंगे तो हमारा जो है इसके H4 से I4 आ रहा है, तो I4 वाला सेल हटा देंगे हम यहाँ से और एंटर करेंगे, तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस। तो एक्सपेंस कितना रहा, यहाँ पर हम एक्सपेंस कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है जी, रिमेनिंग की जगह, और इसको ओपनिंग से माइनस करेंगे, तो 96,970 जो है ये टोटल एक्सपेंस हमारे ऐड हुए हैं यहाँ पे, 96,970। तो ये इस तरह से फॉर्मेट बन जाएगा। अगर आपको टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप करना है टोटल एक्सपेंस ये रहे हमारे डे फर्स्ट के, और जो है क्लोजिंग बैलेंस ये रहा हमारा, तो आप इसको इस तरह से चेंज कर लें, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लें और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लें और इसको इस तरह से ये कर लें। ठीक है जी, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, टोटल एक्सपेंस और ये टोटल इनकम रही हमारी। हेडिंग को बढ़ा लेंगे यहाँ से, सेंटर करेंगे बोल्ड, और यहाँ से हम फॉन्ट्स को रख लेते हैं यहाँ पे, और इस तरह से। ठीक है जी, अब ये टोटल इनकम और फिर ये टोटल एक्सपेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस।
48, 29 ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस रहा। अब डेट टू के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, क्रिएट अ कॉपी के बाद क्लिक, इसकी यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाएगी, वन जैन ये सेकंड, इसको हम कर देंगे टू, ठीक है जी, 2 जैन 2023। और इसके साथ अब हमें नेक्स्ट डे का जो है डाटा चाहिए यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। अब क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो हमारा इसका ओपनिंग बैलेंस बनेगा नेक्स्ट डे का। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जनवरी के अंदर यहाँ पर टोटल के लिए हम, ठीक है जी, तो यहाँ पर टोटल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास इस वाली सेल की वैल्यू ऐड हुई हुई थी, तो यहाँ पर हम पहले तो इसकी अगर सेल्स की हमें डे टू की अगर कोई एंट्रीज होंगी तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, वरना तो यहाँ पर हम इसको ब्लैंक कर सकते हैं, ठीक है जी, फॉर्मूला यहाँ लगा रहे और इसका प्लस करेंगे, अगर कोई एंट्री आएगी इसके अंदर तो वो ऐड हो जाए, और इसको प्लस करेंगे हम 1 जैन के यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस के साथ, ठीक है, ये प्लस हो जाएगी हमारी I4 मर्ज की वजह से, इसको क्लियर करेंगे यहाँ से और एंटर, ठीक है जी। तो ये डे टू का आपका टोटल इनकम है, यानी ओपनिंग बैलेंस कह सकते हैं इसको। ये डे टू का ओपनिंग बैलेंस हो गया, और फिर उसके बाद आपके अगर कोई एंट्रीज आ जाती हैं, जैसे कोई सर्विसेज थी, तो वहां से आपको कैश मिल गया 5,000 या फिर टोटल इनकम, और वो इसमें ऐड हो जाएगी ओपनिंग बैलेंस में। कौन सी ओपनिंग बैलेंस में, जो प्रीवियस का क्लोजिंग था हमारा। और फिर उसके बाद जो भी एंट्रीज होंगी, जैसे अब जरूरी नहीं है कि भाई सेकेंड डे की भी इतनी एंट्रीज हो, तो यहाँ से हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं कुछ, शॉर्ट करने के साथ मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। अब ये हमारी एंट्री जो हो गई वो फॉर्मूला लगा हुआ है इसके अंदर, तो टोटल एक्सपेंस का सेल जो ये ऑटोमेटिक उठाएगा, यहाँ पे इक्वल के बाद हमने सेल क्लिक करा हुआ एंटर, और ये फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 53,018 के एक्सपेंस थे। तो ये हमारी रिपोर्ट आ गई अब डे टू की, डे टू की, यानी ये सारी रिपोर्ट आ गई। अब इनकी वैल्यू हमें उठानी है यहाँ पे, ठीक है जी, इस जगह पे, ठीक है जी। यहाँ तक हमने 2 शीट का काम कंप्लीट किया है, और इसी तरह हम फिर अगर थर्ड शीट के लिए करना है, तो मैंने बताया राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी, और क्रिएट अ कॉपी करेंगे कंटिन्यू करने के लिए डे 3, और यहाँ डेट कर देंगे 3। अब ये पूरे मंथ की इस तरह आप अपडेट कर सकते हैं शीट, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आएगी, ये काम तो हमने कर लिया, जो प्रॉब्लम आएगी उसको इंशाल्लाह सॉल्व करने के लिए भी हम बैठे हैं यहाँ पे। अब ये काम ऑटोमेट होना चाहिए, ऑटोमेट से मुराद, अब ये शीट 3 का मैंने डाटा कुछ ऐड कर लिया यहाँ पर, फ्रीलांसिंग से आ गए कुछ अमाउंट हमारे पास, फॉर्मूले हमारे लगे हुए हैं, इसके अंदर जो चीजें ऐड होंगी वो हमारी ऐड हो जाएंगी। सर्विसेज के इस मई डे 3 के हमारे पास आए 1,400, तो ये हमारे पास आ गया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। फॉर्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं अभी फिलहाल, हम सारे मैंने आपको समझा दिए, और इसके अंदर भी हम यहाँ से कुछ एक्सपेंस को कम कर लेते हैं, यहाँ हम कर लेते हैं 1,500, इनको हम कर लेते हैं 500, इसको मैं कर लेता हूँ 2,000, ठीक है जी। और यहाँ जहाँ पे जो जो एक्सपेंस है उसको थोड़ा थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं 100, और यहाँ से इसको मैं कर ले रहा हूँ 2,000, ठीक है जी। ये हो गया डे 3 का रिकॉर्ड हमारा। अब बात आ जाती है, हम डेली बेसिस पे इसको मेंटेन कर रहे हैं इस तरह से, सारा हमारा इनकम एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, इक्वल लगाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस डे का देखने के लिए। इसको आप माइनस कर देंगे क्लोजिंग इसके साथ, तो जो भी क्लोजिंग है नहीं हमारे पास प्लस में आ रहा है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट ही हुआ। तो ये तो हमारा एक नॉर्मल अपडेट रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम हो रहा है, ये सही, इसमें हम शीट ऐड कर रहे हैं न्यू न्यू, और ये अपडेट कर रहे हैं डेली की।
अब बात आ जाती यहां पर जो ये वैल्यू आ रही है उसको हम मैनुअल किस तरह से उठाएं। अब डेट फंक्शन हमारा इस सवाल हुआ यूज हुआ हुआ है डेट शीट के हिसाब से यहाँ पर। अब अगर हम इसको इनडायरेक्ट से नॉर्मल उठाएं तो ये डेट फंक्शन जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट होगी, तो फिर इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो सकता है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी सेल वैल्यू फिक्स है, यानी अगर जैसे फर्स्ट जेन का C4 सेल है उसमें हमारा टोटल इनकम है। आप देखें फर्स्ट जेन C4 और इसमें हमारी टोटल इनकम है। सेम इसी तरह हमने कॉपी करी है शीट 2, ऐड करी है उसमें C4 के अंदर हमारी डे 2 का टोटल इनकम ओपनिंग बैलेंस के साथ प्लस होकर आ रहा है हमारा। फिर शीट 3 ऐड करी है और फिर C4 का हमारा सेल एड्रेस है उसमें प्लस होकर आ रहे हैं ओपनिंग बैलेंस। अब अगर मैनुअल हम बात करें तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और एक अनप्रोफेशनल तरीके से काम करने का तरीका होता है ये। तो आपको जो काम करना है वो ऑटोमेटिक और प्रोफेशनल तरीके से सॉफ्टवेयर की तरह से काम करना है। डेट फंक्शन को यहाँ पे शीट डेट के हिसाब से हम किस तरह से उठा सकते हैं, अब इसकी ट्रैक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और फिर हम सिंपल ट्रैक करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 जैन का है तो यहाँ पे 3 जैन का डाटा भी कॉल होकर आ जाएगा। अगर हम नॉर्मली इनडायरेक्ट की अगर बात करें इसके साथ, तो ये डेट फंक्शन की वजह से शीट का नाम काम नहीं करेगा इधर। जैसे मैंने इनडायरेक्ट लगाया यहाँ पर और इनडायरेक्ट के साथ मैंने डेट सेल सेलेक्ट करा और इसको मैंने कॉनकेटिनेट करा इसके साथ और ब्रैकेट कर दिया क्लोज, तो ये कह रहा है रेफरेंस नॉट। ठीक है जी, अब इसका क्या मसला आ रहा है इसको हम देख सकते हैं में एवलुएट में, और एवलुएट का है हमारा। अब देखें यहाँ पर ये आ गया, एवलुएट करेंगे ये डेट फॉर्मेट नंबर और फिर एवलुएट रेफरेंस एरर। तो इसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा, यानी डेट का अगर, क्योंकि डेट यहाँ पे इसमें डायरेक्ट के रेफरेंस में नहीं उठा रहा। अगर मैं यहाँ पे कोई एडिट कर दूँ नाम, जैसे मैंने डे 1 कर दिया, ये आसान था, इधर मैं अगर डे 1 करूंगा तो ये उठा लेगा, लेकिन अब हमें चाहिए डेट के हिसाब से। तो इसके लिए अब जो मैं एडवांस बताने जा रहा हूँ फॉर्मूला, वो ध्यान से देखिएगा। तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीखने को एडवांस आपको डेली बेसिस पे मिलता ही रहता है, तो अपने दोस्तों के साथ खुद भी लाजमी शेयर करें और वीडियो को भरपूर लाइक्स किया करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, शायद हम यूट्यूब चैनल पे सीखना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है जी, अब देखिएगा यहाँ पर हम मैजिक क्या करने जा रहे हैं। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही थी इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ठीक है जी, ये फॉर्मूला ऐसे ही लगा रहेगा। अब फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने से पहले एक फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दूं मैं। डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट फंक्शन होता है, कोई भी सेल आपने क्लिक करा उसके बाद आप कॉमा लगाए इनवर्टेड कॉमा, तो ये डेट सेल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह लगाएंगे। फर्स्ट जो होगा वो डे हो गया, फिर माइनस 3 दफा m मंथ जो जनवरी लिखा हुआ है, फिर माइनस ईयर के लिए y, ब्रैकेट क्लोज एंटर इनवर्टेड कॉमा के साथ और एंटर। अब ये टैक्स है, टैक्स के अंदर अगर हम कुछ एडिट करते हैं तो हमारे पास ये अमाउंट आएगा, लेकिन कैलकुलेशन नहीं होगी। तो डेट फॉर्मेट को अगर हम टैक्स में कन्वर्ट करें, और टैक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको कॉल करें अपने टोटल इनकम के लिए, तो वो इस तरह से अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा कॉलन इन्वर्टेड कॉमा और टैक्स फंक्शन यूज करेंगे, टैक्स फंक्शन के साथ डेट सेल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर हम दे देंगे फर्स्ट डी आर है माइनस MMM 3 दफा, फिर माइनस YY ऑप्शन यहाँ पर कर देंगे हम इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट टैक्स फॉर्मूले का क्लोज कर देंगे, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे एंड फंक्शन, एंड फंक्शन के साथ इन्वर्टेड कॉमा कॉलन ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा एक्सक्लेमेशन साइन, और एक्सक्लेमेशन साइन के बाद हम यहाँ पर जाएंगे C4, इस सेट को उठाएंगे यहाँ पे और ये वाली जो डेड सेल वैल्यू आ रही है उसको यहाँ से हटा देंगे, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे इनवर्टेड कॉमा और यहाँ पर कर देंगे इनडायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। अच्छा ये क्यों आ रहा है, यहाँ हमने कॉनकेटिनेशन नहीं करी, ये जो इनडायरेक्ट के साथ टैक्स फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ भी एंड फंक्शन का साइन यूज करेंगे शिफ्ट के साथ एंड फंक्शन, फिर ये कंप्लीट फॉर्मूला पूरा इस तरह से आ जाएगा। और ये ऑटोमेटिक मैजिक इस तरह होगा आपका, जब एंटर करेंगे फर्स्ट जैन की जो ओपनिंग बैलेंस वैल्यू है टोटल इनकम वो देख लेते हैं, हमारे पास 145,000 आ रही है। ठीक है, 1,45,000। सेकेंड डे की जनवरी की हमारे पास आ रही है 53,029, तो यहाँ पर हम ड्रैग करके चेक कर लेते हैं इसको। 53,029
थर्ड जनवरी की हमारी ओपनिंग बैलेंस वैल्यू क्या है, 49629। तो हम इसको भी ड्रैग करेंगे यहाँ पे, 49629 हो गया। काम आसान हमारा, बस इजीली अब आपको डेली बेसिस की शीट कॉपी पेस्ट करनी है, ड्रैग करनी है डेट, इसको ड्रैग करना ऑटोमेटिक आपको टोटल इनकम मिल रही है हर शीट की। यहाँ पर डेट के हिसाब से आपकी पूरी शीट मंथली ऐड हो गई, अपडेट हो गई। अब इसी चीज को हम यहाँ ऑटोमेटिक करेंगे जो हमने यहाँ पर करा था। तो इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं पूरा, कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी के बाद यहाँ उठाएंगे और इसको मैं कर रहा हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ एच फोर रेफरेंस दे दूंगा जो क्लोजिंग बैलेंस सेल है हमारा। बाकी पूरा फॉर्मूला उसी तरह आ जाएगा, ठीक है जी। एच फोर सेल रेफरेंस दे दिया हमने, 48029 फर्स्ट जनवरी की देख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू, ठीक है। एच फोर का रेफरेंस है, ये आ गया एच फोर, तो हमने दे दिया। अब से टू डे टू की क्या है, 34698। अब इसको हम नीचे फिल करेंगे 34698, और डे थ्री की 37021 बिल्कुल कंफर्मेशन कर ली हमने, सही है। अब इसको हमने माइनस किया हुआ इसके साथ टोटल इनकम माइनस क्लोजिंग, तो इसके लिए कोई हमें इनडायरेक्ट की जरूरत नहीं है, सिंपल ही ट्रैक हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले थे आज की इस वीडियो के अंदर। इस फॉर्मूलों की मदद से आप एडवांस से एडवांस काम कर सकते हैं, इनकम एक्सपेंस के लिए, कैश बैलेंस, पेटी कैश रिकॉर्ड, डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड, इसके अलावा जो भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू आ रही है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑटोमेटिक शीट टू शीट लिंक की मदद से। ये सारे फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन करें जिस तरह आपको जाया जाता है और समझ में आता है, तो आपको लाइक करना बनता है लाजमी, ज़्यादा से ज़्यादा गुड करके लाइक करें कमेंट भरपूर, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। शाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।